गाइस, सो स्ट्रेटनर से कैसे बनाते हैं ये सॉफ्ट कर्ल्स, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। सो सबसे पहले अपना कर्लिंग रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं हेयर प्रेप करती हूँ, एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये लॉरियल की ड्रीम लेंथ मू हेयर कट क्रीम। ये बेसिकली एक लेवन कंडीशनर है, एंड इस तरीके से मैं दो साइड पे पार्टीशन कर लेती हूँ। इस तरीके से इतना अमाउंट मैं ये लीवन कंडीशनर का लेती हूँ एक साइड के लिए, एंड इसको बेसिकली हेयर लेंस पे लगाती हूँ। हेयर लेंस होती है आपके ईयर से नीचे जितनी भी मतलब लेंथ है आपकी, वो आपकी हेयर लेंथ है। आपको इसको स्कैल्प पे नहीं लगाना, बट स्टिल मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर भी लगा लेती हूँ सो दैट यू नो फ्रिज कंट्रोल हो जाए। एंड आप चाहो तो एक हीट प्रोटेक्टेंट भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये लीवन कंडीशनर ही यूज कर लेती हूँ, ये एक हीट प्रोटेक्टेंट की तरह काम करता है, एंड ऑल्सो काफी ज्यादा बालों को ना स्मूथ कर देता है, नरिश करता है, एंड ये वाला लीवन कंडीशनर तो बालों को फ्रिज फ्री भी बनाता है। तो इस तरीके से एक बार अच्छे से यहाँ पे मैं बालों को प्रेप कर लेती हूँ। इसे लगाने के बाद ही मैं हमेशा कोई भी हीटिंग टूल यूज करती हूँ, लाइक 30 सेकेंड्स या 1 मिनट बाद फिर करती हूँ। ना अभी मेरे बाल ना थोड़े से वेट फील हो रहे हैं क्योंकि मैंने कंडीशनर लगाया है, सो अभी मैं अच्छे से कोम्बिंग के लिए यहाँ पे ये वुडन कोम्ब यूज कर रही हूँ। वुडन कोम्ब ना ऑनेस्टली बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी इट्स नॉट नाइस, एंड वुडन कोम्ब से ऑनेस्टली मैंने फील किया है कि मेरे बालों का ना फ्रिज कम हो रहा है क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी हैं, एंड इससे थोड़ा सा फ्रिज टेम हो जाता है। एक तो लीवन कंडीशनर एंड देन ये वुडन कोम्ब। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे बाल लाइक थोड़े से वेवी भी हैं, थोड़े से स्ट्रेट भी हैं, लाइक प्रॉपर वेवी कर्ली भी नहीं है बट प्रॉपर स्ट्रेट भी नहीं है। सो अगर आप चाहो आपका ऐसा है तो आप पहले स्ट्रेटनिंग कर लो, मैं आपको डायरेक्टली इसी पे ही कर्ल करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक बार ही ये अच्छे से मिडल पार्टीशन कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस राउंड है, सो इसलिए मैं यूजुअली मिडल पार्टीशन ही रखती हूँ क्योंकि अगर मैं साइड पार्टीशन करूंगी तो फेस एक साइड से यू नो छोटा लगता है, एक साइड से फ्लफी लगता है। सो अगर आपका राउंड फेस है तो मेक श्योर कि आप मिडल पार्टीशन ही रखो एंड देन उसके बाद कर्ल करो या स्ट्रेट करो ना। यहाँ पे स्ट्रेटनर के लिए मैं ये नोवा का स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ। इसमें इस तरीके से चार टेम्परेचर आते हैं, 220 डिग्री सेल्सियस, 200, 180, 160। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ इसको थोड़ी देर ना प्री हीट होने देती हूँ, लाइक अगर मेरे को स्टाइलिंग करनी है तो उससे 2 या 3 मिनट पहले मैं इसको प्लग इन कर देती हूँ, एंड 200 220 टॉप वाला टेम्परेचर जो है उस पर मैं इसे प्री हीट होने देती हूँ, एंड देन मैं ये बटन दबा के इसको 180 पे ले आती हूँ जब मुझे एक्चुअल कर्लिंग करनी है, सो दैट मेरे बालों में थोड़ी सी कम हीट जाएगी तो वो लेस डैमेज होंगे। और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इतना पोर्शन मैं लेती हूँ जितना मेरे स्ट्रेटनर की विड्थ है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पार्टीशन लूंगी तो वो स्ट्रेटनर से बाहर निकल जाएगा एंड कर्लिंग में प्रॉब्लम होगी। एंड इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मैं स्ट्रेटनर लगाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से करके देन नीचे की साइड पे आते हुए इसे टिल्ट कर देती हूँ एंड ट्विस्ट करती हूँ, एंड देन इसको इस तरीके से बस वर्टिकली थोड़ा सा लाइक इतना करके नीचे ले आती हूँ। एंड सी इस तरीके से यहाँ पे ये सॉफ्ट कर्ल हो जाता है, ये देखो। आप इसको ज्यादा जल्दी ले जाओगे तो ये और ज्यादा सॉफ्ट कर्ल होगा, और स्लोली स्लोली लेके जाओगे तो थोड़ा सा टाइट कर्ल होगा। मुझे इतना पसंद है तो मैं इतना रख देती हूँ। नाउ यहाँ पे ये वाला आपको दिखाने के बाद अब जो यूजुअल मेरा रूटीन है वो करूंगी मैं। सबसे पहले मैं बालों को पार्टीशन कर लूंगी, देन मैं क्या करती हूँ इस तरीके से यहाँ पे भी
और इन्हें हाफ्स में कर लिया। एंड जिस साइड पे मुझे वर्क करना है पहले उसको एक बारी और दोबारा अच्छे से कोम कर लेती हूँ, क्योंकि अगर टैंगल्स रहेंगे ना तो बालों को कर्ल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैं हमेशा ऐसे लास्ट वाले कॉर्नर से ही स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर मैं ना जो भी पार्ट हो गया उसको पीछे की साइड पे पुश करती चली जाती हूँ, तो ज्यादा टफ नहीं रहता। और मुझे एंड पार्ट को कर्ल करना होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से लाकर इसको ट्विस्ट कर दिया एंड बस स्लाइड। थोड़ा सा बाहर जा रहा था, ट्विस्ट एंड एंड लास्ट में इस तरीके से घुमा देती हूँ। और थोड़ा सा इसको कूल जब तक ये हो रहा है तो ऐसे ट्विस्ट करके छोड़ देती हूँ। तो मुझे डेली या जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, क्योंकि ये मेरा गो टू हेयर स्टाइल है, तो मैं यही सॉफ्ट कर्ल्स ही बनाती हूँ। अगेन यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा ऊपर फ्लैट कर दिया एंड देन यहाँ ट्विस्ट अच्छे से, लाइक मैं 180 डिग्री ट्विस्ट कर देती हूँ। एंड देन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर्ल चाहिए तो और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो इससे कैसे घूमा सी ना सी, ये वाली साइड पे मेरे कर्ल्स हो गए हैं। अभी इसको मैं ओपन नहीं करूंगी, तो मैं इसको बैक साइड पे डाल रही हूँ ताकि वो थोड़े से कूल हो जाएं। अब मैं वर्क करूंगी इस साइड पे। एंड मेक श्योर जब भी आप कर्लिंग रूटीन कर रहे हो आपको अवे फ्रॉम द फेस करना है। सो जब मैं इस तरफ कर रही थी तो मैंने इस तरीके से घुमाया सो दैट मेरे जो कर्ल्स हैं वो इस तरफ जाएं, लाइक अवे फ्रॉम द फेस। अब सिमिलरली इस साइड के लिए भी मैं उस तरफ घुमाऊंगी ताकि मेरे कर्ल्स उस साइड पे जाएं। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब इस तरीके से मैंने इतना पोर्शन ले लिया है, यहाँ पे मैं लगाती हूँ इस तरीके से। और अब मैं इसे यहाँ पीछे की साइड घुमाऊंगी सो दैट मेरे अवे फ्रॉम द फेस वाले कर्ल्स बने। अगर मैं इसको अंदर की साइड घुमा दूंगी तो कर्ल्स फिर अंदर की साइड पे बनेंगे। लास्ट में थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ अगेन इस तरीके से पीछे की साइड। आपको और टाइट कर्ल्स चाहिए तो और एक बार आप दोबारा जा सकते हो, या जब आप चाहो इस तरीके से तो बहुत स्लोली स्लोली जाओ। लेट्स ट्राई दैट, एकदम इस वाले स्ट्रैंड पे हम बहुत स्लोली स्लोली जाएंगे। लेट्स सी, थोड़ा सा पहले मैं इधर फ्लैट करती हूँ एंड देन यहाँ पे ट्विस्ट, थोड़ा सा और ट्विस्ट कर रही हूँ और बहुत ही स्लो जा रही हूँ लाइक दिस। थोड़ी सी और ज्यादा डेफिनेशन आ गई है। हाँ मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी है ना तो वो अटकते हैं, कितना ही गोम कर लूं। ये फ्रिजी हेयर के थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स होते हैं। टेम्परेचर अगर आप और हाई रखोगे लाइक 200 रखोगे या 220 तो आपके कर्ल्स और ज्यादा अच्छे से डिफाइन होंगे। मैं थोड़ा सा कम ही टेम्परेचर रखती हूँ। ज्यादा बाउंसी गर्ल्स बनते हैं और ये हमारा न्यू बैच है तो इस पे वर्क करेंगे। सेम थिंग पीछे से स्टार्ट करना है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप ऐसे करना। थोड़ा सा फ्लैट ट्विस्ट एंड स्लाइड।
मुझे ऑनेस्टली ये सॉफ्ट कर्ल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किस टाइप के कर्ल्स अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट या टाइट? लेकिन कमेंट्स आपको कर्लर से कर्ल्स बनाना अच्छा लगता है या स्ट्रेटनर से? वाला थोड़ा अच्छा बना। अगेन घुमाएंगे थोड़ा सा, इतना ज्यादा अच्छा डिफाइंड कर्ल बना है। मुझे ऑनेस्टली स्ट्रेटनर से कर्ल्स बनाना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लूज बनते हैं। लाइक ऐसा नहीं लगता एकदम कि अननेचुरल कर्ल्स हैं। जिस तरीके से टाइट कर्ल्स एक कर्लर बनाता है, वैसी लुक नहीं आती। ऐसे आप स्ट्रेटनर से ना बहुत सारे हेयर स्टाइल्स कर सकते हो। लाइक स्ट्रेटनर से अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेटनिंग भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आपको ऐसे और हेयर स्टाइल सीखने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली कम अप विद सच हेयर स्टाइल्स। तरीके से जो टॉप वाला पोर्शन है, इसमें मैं ज्यादा नहीं करती कर्लिंग, एक बहुत ही क्विकली हटा देती हूँ, क्योंकि एकदम उनके बाल है ना, ऐसे ले जाकर बहुत ही बस हल्की सी शेपिंग करती हूँ। जो सबसे पहले मैंने स्ट्रैंड आपको करके दिखाई थी, ये घुमा दो। आई फील मेरे बाल कलर्ड है ना, इसीलिए ही ये जो एंड पार्ट है यहाँ पे वो थोड़ा सा अटकते हैं, क्योंकि जो आप कलर करा लेते हो तो थोड़े से रफ हो जाते हैं ना बाल, क्योंकि ऊपर वाले बालों पे एकदम स्मूथली जाता है, पर जहां से कलर वाले बाल है ना वहीं पे ये थोड़ा सा अटकने लग जाता है। कलर इज द कल्प्रिट, फ्रिजी हेयर कल्प्रिट नहीं है, या शायद बोथ। लास्ट स्ट्रैंड यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से ये लूज कर्ल्स बन जाते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ती, थोड़ा सा इस तरीके से फिंगर से ना इनको खोल लेती हूँ, क्योंकि अगर आपको चाहिए थोड़े से टाइट लाइक कर्ल्स प्रॉपर दिखें तो आप वैसे भी रख सकते हो। अगर आपको एकदम लूज कर्ल चाहिए, लाइक यू नो एकदम ही नेचुरल लुक चाहिए, तो आप इस तरीके से खोल सकते हो। मैं यहाँ पे देखूँ इस तरीके से, यूजुअली मिडिल पार्टीशन के साथ ना ऑनेस्टली ये अवे फ्रॉम द फेस वाले कर्ल्स बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा बालों को फाइनल सेट करने के लिए इसके ऊपर आप हेयर सीरम लगा सकते हो। इससे क्या होता है, आपका फ्रिज टेम हो जाएगा अगर आपको फ्रिजी हेयर का प्रॉब्लम है तो, एंड थोड़ा बहुत अगर फाइनल टचअप्स देने हो, लाइक दोबारा थोड़ी सी सेटिंग करनी है तो कर लेना। मुझे जैसे यहाँ वाला पार्ट थोड़ा सा लग रहा है अभी, इसको से फिर से सेट कर रही हूँ, सो दैट यू नो वो बाकी बालों के साथ एकदम अच्छे से इस तरीके से अलाइन हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप लाइक फाइनल कर लो ना कि आपको किस तरीके का पार्टीशन रखना है, उसके बाद आप एक बार ये फाइनल जो तो एकदम ये स्टार्टिंग वाले बाल होते हैं ना, इनको सेट कर दिया करो।
सो दैट्स इट, ये था मेरा हेयर कर्लिंग रूटीन. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा. इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. सी यू नेक्स्ट वीक, बाय.